आप किस तरफ फोर्स लगाओगे? आपको स्लोली मूव करना, ठीक है ना, ध्यान देना। यू विल अलाउ दी चार्ज क्यू टू टू मूव फ्रॉम आर वन टू आर टू, बट यहां पे ध्यान देना, वेरी स्लोली आप स्लोली मूव करवा रहे हो, आप छोड़ नहीं रहे हो, ध्यान देना। तो आप स्लोली मूव करवा रहे हो, तो स्लोली मूव करवाने का मतलब क्या है, आपको अंदर की तरफ फोर्स लगानी है, ध्यान देना। आप अंदर की तरफ फोर्स लगाओगे और Q1 Q2 को आउटवर्ड फोर्स लगाएगा, दूर ले जाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है। अब सीधी सी बात है, अगर Q2, जब ये Q1 और Q2 R1 पोजीशन पे हैं, R1 दूरी पे हैं, तो मैं मान के चल रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी है U1, यहां पे लिख रहा हूं इस तरीके से, U1 इज दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज इज आर वन एंड यू टू, क्या है यू टू, क्या होगी यू टू है, इसको आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हो, ठीक है ना, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और वी टू, यू टू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज इज आर टू, यहां पे नाम दे रहा हूं, इसी को बोल देते हैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल इसे बोल देते हैं। अब बताओ यू टू यू वन से ज्यादा है कि कम है, पोटेंशियल एनर्जी घटी कि बढ़ी? नेचुरल टेंडेंसी क्या थी, दूर जाने की ना, तो दूर ही तो लेके जा रहे हो आप, आ रहा है ना समझ में, बट स्लोली दूर लेके जा रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिग्री, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो आप सिर्फ साफ साफ समझ सकते हो यू टू इज लेसर देन यू वन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज। अच्छा कितनी डिक्रीज करेगी, तो सीधी सी बात है, अगर मैं ऐसे लिखूं यू टू माइनस यू वन, तो ये है डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो ये कितनी डिक्रीज करेगी, तो सीधी सी बात है सर यू वन माइनस यू टू आना चाहिए, नहीं आप U1 माइनस U2 लिख लो या U2 माइनस U1 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये U2 माइनस U1 जो होगा ये नेगेटिव आएगा, आ रहा है ना समझ में, यस सर, U2 माइनस U1 नेगेटिव ही आएगा, ये मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि U2 U1 से कम है, तो U2 माइनस U1 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि फाइनल माइनस नीचे लिखते हैं हमारी, हम जो है इसी तरीके से लिखते हैं ना फाइनल माइनस नीचे, तो जो लॉस है ये U2 माइनस U1 जो है ये नेगेटिव है, पहले तो ये समझ लो। अच्छा कितना होगा, कितनी घटेगी, तो सीधी सी बात है कि जितना वर्क डन यहां से यहां तक R1 से R2 तक एक्सटर्नल एजेंट ने कर दिया होगा, सीधी सी बात है, जितना वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट कर देगा उतनी ही घट जाएगी। जैसे समझने की कोशिश करो, जब मैं अगर R2 से इस पार्टिकल को, इस बॉडी को यहां से उठा के ऐसे मूव कराता हुआ यहां पे लेके आया, तो ये अपने आप तो नहीं आएगी, मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अगर मैं R2 से R1 लाता तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव होता, तो जितना मैं वर्क डन करता उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती। अब उल्टा सोचो, उल्टा क्या है, उल्टा यह है कि अगर आप R1 से R2 तक लेके जा रहे हो तो कितनी घटी, तो जितना वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट करेगा, जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन कर देगा उतनी ही घट जाएगी, सीधी सी बात है। हमेशा ध्यान देना, आपको ये चीज समझनी है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगर पॉजिटिव है, जैसे यहां पे लिखा था वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, कितनी बढ़ी, जितना वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट ने किया। यहां पे
वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या था? नेगेटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी घटी। कितनी घटी? जितना एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क डन किया, नेगेटिव है यानी कि घट रही है, सीधी सी बात है। तो ये बिल्कुल सही है। अच्छा, क्या इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? बिल्कुल लिख सकता हूं, ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि तो जितना वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट करता है उस करती है, बट नेगेटिव करती है, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये देखो, ये एक तरीके से फॉर्मूला बन गया, ध्यान देना, ये पूरा फॉर्मूला ये याद रखना हमेशा। अब मैं कौन सा यूज करूंगा, ध्यान देना, मैं यूज करूंगा इसको, ध्यान देना, इससे मैं इससे यूज करूंगा, इसे निकालूंगा, इससे आंसर जो है ना एकदम परफेक्ट आता है। बुक में क्या होगा, बुक में शायद वर्कडन बाय एक्सटर्नल एजेंट से निकालो, लेकिन प्रॉब्लम क्या रहती है इसमें, वर्कडन बाय एक्सटर्नल एजेंट से निकालोगे ना तो एक माइनस साइन की प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो बुक में बताते ही नहीं है, वो बुक में बताते ही नहीं है। तो बेटर ये है कि मैं इससे निकालूं। अब ये चीज ध्यान से समझो, कौन मुझे बताएगा कि जब आप R1 से R2 तक लेके जा रहे हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने कैसा वर्कडन किया होगा? आपने कैसा किया, ध्यान दो ना, आपने कैसा किया, आपने नेगेटिव किया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा कर रही है, पॉजिटिव कर रही है। तो ध्यान देना, ये बिल्कुल सही है, देखो ये है पॉजिटिव, इतना पार्ट पॉजिटिव है, और ये क्या है, ये है नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं अगर एक साइन आगे नेगेटिव लगा दिए जाए, तो बिल्कुल सही है। आ गया समझ में? यस सर, यस सर, ठीक है, ये चीज ध्यान से समझनी है, ये बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला है। अब मुझे, मैं अगर वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक निकाल लूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने कितना वर्क डन किया फ्रॉम R1 टू R2, तो मैं यहां पे पुट कर दूंगा और मेरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो सबसे पहले मेरा मेन टारगेट क्या होगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना। अच्छा, कैसे निकालें, तो ध्यान देना, ध्यान से समझना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इक्वल होती है, ये पढ़ा था आपने, क्या था, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर। आ रहा है ना समझ में? यस सर, यस सर। क्या ये r पे डिपेंड कर रही है? यस सर, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है घटती जाती है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट नहीं लगती, इट इज नॉट अ कॉन्स्टेंट फोर्स, इट इज अ वेरिएबल फोर्स। तो मुझे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन निकालना है तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। समझ में आया? अच्छा, कैसे करेंगे, तो करने का तरीका ध्यान दो, ऐसे करेंगे, ध्यान से समझना। मैं ये मान के चलूंगा दैट एट एनी पोजिशन आर कभी ना कभी चार्ज आर पे तो होगा। अब आप क्या करोगे, आर से R प्लस डी आर तक मूव करवाओगे, ठीक है। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, ध्यान से समझना, अब ये मैं हटा दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाता है, ये ना मेरा मेन मकसद यहाँ पे ये बताना था। तो मैं लिख रहा हूँ, इस तरीके से लिख रहा हूँ, डी डब्ल्यू जैसा मैंने ऊपर किया था बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे करके दिखाया था ना, बिल्कुल वैसे ही करके दिखा रहा हूँ। डी डब्ल्यू इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन to move the charge q2 from r plus r to r plus dr। अच्छा, ये फोर्स कितनी, ये वर्कडन कितना होगा, कौन बताएगा? ये होगा f इलेक्ट्रोस्टैटिक का डॉट प्रोडक्ट लूंगा किसके साथ, dr के साथ। ये चीज समझ में आ गई सबको? यस सर। ये है देखो, ये लग रही है एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये लग रही है ये वाली फोर्स, ये है एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। कितनी लग रही है बताइए अभी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर दूरी पे कितनी लगती है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर।
और ये मान के चलोगे कि आर से लेके आर प्लस डी आर के बीच में इतनी ही फोर्स लगेगी, कांस्टेंट लग रही है बीच में, बताओ कितना वगडन किया होगा? वगडन किया होगा एफ इलेक्ट्रो डी आर, दोनों के बीच में कितना एंगल है? जीरो एंगल। देखो अगर आप ढंग से देखोगे, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में डी आर और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रही है, तो ये एंगल कितना है? जीरो। अब आप इसे क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे तो आपको टोटल वगडन पता चल जाएगा किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे? तो आर देखो कहां से कहां चेंज हो रहा है। तो जब Q2 पोजीशन पे था, Q2 R1 पोजीशन पे था, तो स्मॉल r किसके इक्वल था? R1 के इक्वल। और जब ये यहां पे पहुंच जाएगा, यहां पे पहुंचेगा, तो r कितना हो जाएगा? R2 के इक्वल। तो आप इंटीग्रेट करोगे कहां से कहां तक? R1 से लेके R2 तक। समझ में आ गया यहां तक? यस सर। सर R1 से क्यों लिया वो नहीं समझा। आप जीरो आर वन से इसलिए लूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं से तो लेना ही पड़ेगा ना हमें। मैं बोल रहा हूं इनिशियली आर वन दूरी पे था, इनिशियली यहां था, देखो यहां पे था ना इनिशियली। तो यस सर। तो यहीं से तो आपने डी आर मूव करवाया होगा, थोड़ा सा मूव करवाया होगा, तो इस पोजीशन पे आर कितना है? आर वन। अब ऐसे आप छोट पूरे 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 पाथ को आर वन से लेके आर टू तक, पूरा जो पाथ है इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, और हर एक पाथ पे, हर एक पार्ट पे क्या निकाल रहे हो? वगडन, और फिर ऐड कर रहे हो, तभी तो आप इंटीग्रेट कर रहे हो ना। तो कहां से कहां तक चेंज हुआ? आर। आर कहां से चेंज हुआ? आर वन से लेके आर टू तक, सीधी सी बात है। आया समझ में? यस सर। लिमिट यहां पे आर की तो आएंगी ना, आर की तो आएंगी। देखो अभी वैल्यू पुट कर रहा हूं। यस बोलो सर। जब हम आर से लेके आर प्लस डी आर तक लेके गए, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट क्यों लिया हमने? क्यों ली? देखो बताता हूं मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप 10 मीटर से लेके 10 प्लस 0.0000 इनफाइनाइट जीरो है, उसके बाद वन है, इतनी दूर लेके गए। अब ये आप क्या बोल रहे हो? इसी को तो डीआर बोल रहे हो ना? यस सर। अरे ये आर है और ये डीआर है। अरे डीआर क्या है? देखो पॉइंट के बाद इनफाइनाइट जीरो, उसके बाद वन। डीआर इतना छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। डीआर इज कॉल्ड द इनफाइनाइट डेसिमल डिस्प्लेसमेंट, दुनिया की सबसे छोटी डिस्प्लेसमेंट है। तो आप मुझे बताओ, मैं ही बोल रहा हूँ कि 10 से लेके 10.000 इनफाइनाइट जीरो के बीच में जो फोर्स है वो कितनी लगी? तो आप क्या बोलोगे? सर फालतू के झंझट में क्यों डाल रहे हो, सीधा लिखो क्यू क्यू वन क्यू टू बाई 10 स्क्वायर। यस सर, समझा सर। आया समझ में? नहीं, आर स्क्वायर लिख दो, सीधी सी बात है, 10 का लिख दो 10 स्क्वायर, क्यों फालतू के झंझट में डाल रहे हो कि अरे भाई आप 10 में इनफाइनाइट जीरो ऐड करने के बाद 1 ऐड कर रहे हो, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, यानी कि कांस्टेंट फोर्स मानोगे आप इन दोनों के बीच में। समझ में आ गया कि? यस सर। ओके, तो अब ये वैल्यू अगर आप डालते हो इलेक्ट्रो की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डालते हो 1/4πε0 Q1 Q2 by R square, ये तो ये हो गई dr cos 0 1 होता है। अब इसे इंटीग्रेट करना है, बस इंटीग्रेट करके मैं ये निकालूंगा और उठा के कहां डाल दूंगा? इसमें, बस और कुछ नहीं है। इसमें क्या कॉमन आया? चार्ज कॉमन आ गया, कांस्टेंट है, 1/4πε0 कॉमन आ गया, कांस्टेंट है। अंदर क्या बचता है? 1/r2। क्या मुझे 1/r2 का इंटीग्रेशन करना आता है? आता है। Yes, sir. क्या करोगे आप? ऊपर ले जाओ, r की पावर -2 हो गया। अब फॉर्मूला क्या लगेगा? अभी पढ़ा होगा 1 इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू पावर n क्या होता है? xn+1/n+1, ये बता रखा है बहुत बार, वही यूज हो जाएगा। बस x की जगह r है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डाल दो q1 q2 4πε0 r की पावर -2+1 -2+1। ये माइनस अगर आप देखोगे तो ये सीधा आता है -1/r। अब लिमिट डालो, r2 डाल दो, फिर r1 डाल दो और पुट कर दो,
माइनस कॉमन ही ले लो, माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा, q1 q2 4 pi epsilon naught r की जगह पहले r2 फिर r1 और दोनों को क्या कर दिया माइनस, ठीक है यहां तक आया समझ में? यस सर। ये 1 हो गया, इसे 2 मान लो, यही है वगडन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैं लिख रहा हूं फ्रॉम 1 एंड 2 फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल इक्वल टू हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बट वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर निकाल चुका हूं वो है माइनस क्यू वन क्यू टू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वन बाय आर टू माइनस वन बाय आर वन। तो क्या बन जाता है आपका, ये बन जाता है सर इक्वेशन 1 क्या थी वो रही ऊपर देखो, ये देख रहा है ये थी इक्वेशन में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यस सर। उठा के डाल दिया, आंसर आया आपका ये, सर पर अगर हम एक्सटर्नल एजेंट का लेते ना तो माइनस रह जाता। बिल्कुल रह जाता, मैं बता रहा हूँ आपसे, एक नेगेटिव, आप एक नेगेटिव रह जाता, मैं बता रहा हूँ आपको। फिर क्या होता है कि फिर मुझे फिर बताना पड़ता है कि देखो ये नेगेटिव कंपनसेट करने के लिए एक नेगेटिव डाल दो इसे, इसमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, इसमें यही आंसर है देखो आप। लेकिन ध्यान देना ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मुझे क्या निकालनी है, मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। आ रहा है ना समझ में, मुझे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालनी, मेरा तो काम क्या है, मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। मुझे मेरा आंसर क्या है, मेरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आपको कहीं ना कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी क्या माननी पड़ेगी, जीरो। आया समझ में? जैसे ध्यान से समझना, कभी आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी मास को h हाइट पे रख दिया जाए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh, mgh। बट ये तब होती है mgh पोटेंशियल एनर्जी जब आपने ग्राउंड पे कितनी मानी हो, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी एट द ग्राउंड कितनी मानी हो, जीरो। रेफरेंस माना हो, रेफरेंस मतलब कहीं ना कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी जाती है। और उठा के अगर आपने ग्रेविटेशन में देखा होगा तो ग्रेविटेशन में कहां मानते थे पोटेंशियल एनर्जी, जीरो, इंफिनिटी पे, इंफिनिटी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो रेफरेंस पे डिपेंड करती है, ध्यान देना, आप रेफरेंस कहां ले रहे हो इस पे डिपेंड करती है। अगर ग्राउंड पे लिया और h हाइट पे लेके गए तो mgh होगा, लेकिन अगर आपने इंफिनिटी पे क्या ले लिया, जीरो पोटेंशियल एनर्जी, तो r दूरी पे जो पोटेंशियल, r दूरी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती थी, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, g m स्मॉल m बाय r। ये पिछली बार ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा। तो ध्यान देना पोटेंशियल एनर्जी जो है वो रेफरेंस पे डिपेंड करती है। आप रेफरेंस कहां लेते हो, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं से रेफरेंस मानना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो रेफरेंस मानना पड़ेगा आपको। रेफरेंस मतलब कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी जीरो माननी पड़ेगी, ये तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दे रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालूं, कहीं ना कहीं पे जीरो माननी पड़ेगी, ध्यान देना। अरे भाई अपनी कुकर की सीटी बंद कर लो यार, तो कैसे निकालें हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालें, तो ध्यान देना वी हैव टू टेक अ रेफरेंस पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के लिए कहीं ना कहीं रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। तो कहां लेते हैं, ध्यान देना, इंफिनिटी पे लेते हैं।
अब इमेजिन करो कि अगर आप इसी चार्ज को, ध्यान से समझना आप इस चीज को, अगर आप इसी चार्ज को R1 से लेके कहां लेके जाते, इन्फिनिटी तक लेके जाते, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितना मानते आप? जीरो मानते। आया समझ में कुछ? यस सर। यस सर। तो इमेजिन करो अगर आप R1 से लेके इन्फिनिटी तक लेके जाते, इस पार्टिकल को R1 से इन्फिनिटी तक लेके जाते, तो R2 कितना होता? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। तो R2 जब टेंस टू इन्फिनिटी होगा, मतलब बहुत दूर लेके जाओगे जब आप चार्ज को, R2 टेंस टू इन्फिनिटी, तो R2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी है उससे आप जीरो मानोगे। ये चीज समझ में आई? यस सर। यही रेफरेंस पॉइंट है, मतलब इन्फिनिटी पे आप जीरो मानोगे। तो अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूं तो देखो क्या आ रहा है, जीरो माइनस यू वन इक्वल टू क्यू वन क्यू टू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वन बाय इन्फिनिटी माइनस जीरो आर वन। ध्यान देना ये रेफरेंस पॉइंट माना है, ठीक है ना? फिर मैं बता रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वैसे तो हम पोटेंशियल एनर्जी हमेशा इन्फिनिटी पे ही जीरो मानते हैं, यही रेफरेंस होता है। लेकिन क्या होता है, कई बार जब हम पढ़ते हैं ना, जैसे हमने अभी ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, पिछले साल आपने पढ़ा, तो ग्रेविटेशन में क्या रहता है, कई बार जब आप अर्थ के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे होते हो तो ग्राउंड पे जीरो मान लेते हैं, ठीक है? लेकिन एक्चुअल में कहां मानी चाहिए? इन्फिनिटी पे मानी चाहिए, वही रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। आप बोलोगे कि क्या हमेशा इन्फिनिटी पे लेते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है, ध्यान देना। मैं कहीं पे भी मान के कर दूंगा, ध्यान देना, मैं कहीं पे भी मान के पूरे क्वेश्चंस को कर सकता हूं। मैं आपके लिए बता रहा हूं क्योंकि बुक में आपको ऐसे ही मिलेगा, ठीक है ना? इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी जाएगी, ध्यान से समझना इस चीज को, ओके? तो अब अगर ये वैल्यू मैंने यहाँ पे डाली तो देखो क्या आ रहा है, क्यू वन क्यू टू 4 by epsilon naught, ये टर्म हो गई 0, 1 by infinity 0 होता है, और ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसल आउट हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई? ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी, मतलब R1 दूरी पे कितनी आएगी पोटेंशियल एनर्जी? Q1, Q2, 4 by epsilon naught R, so, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये है पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान देना। If two charges are separated by distance capital small r, ठीक है, किसी भी r पे, किसी भी r distance पे potential energy कैसे लिखोगे आप? सीधा लिख दोगे, देखो q1 q2 4 pi epsilon naught small r, सीधा लिख देना, ये यही तो बता रहा है। देखो r1 दूरी पे, जब R1 दूरी है, दोनों के बीच में R1 दूरी है, दोनों के बीच में यहाँ पे R1 दूरी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई? Q1 Q2 4 pi epsilon naught R1, तो किसी भी R पे कितनी आएगी? यही तो आएगी, Q1 Q2 4 pi epsilon naught R1 की जगह और लिख दो बस, और कुछ नहीं, ये है पोटेंशियल एनर्जी। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। यस सर आया, ठीक है। अब इसमें क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव की जो है कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। अब देखो, खुद सोचो, समझो कैसी आई। अब देखो, देखना ध्यान से समझना, इसमें भी दो केस बनते हैं, दो केस बन जाएंगे। केस क्या है, इसमें दो केस बनेंगे, मैं यहां पे यहीं पे लिख रहा हूं दो केस। पहला, इफ Q1 एंड Q2 आर लाइक चार्जेस, like charges का मतलब क्या है? same. हाँ, both positive और both negative, ध्यान से समझना इस चीज को। अगर समझ में आ गया, क्लियर है, यहां पे कोई फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड इफ q1 q2 आर अनलाइक चार्जेस, वन इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव,
तो अब थोड़ा सोच के बताओ, अगर सोचोगे तो पता चलेगा, अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हैं तो इनकी नेचुरल टेंडेंसी कितनी है? आउटवर्ड्स, दूर जाने की। यस सर। अगर इन चार्जेस की बारे में बात करूं, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, सोचो तो नेचुरल टेंडेंसी कहाँ है? दूर जाने की ना। यस सर। तो आप ऐसा सोचो कि नेचुरल टेंडेंसी दूर जाने की, इन्हें छोड़ दिया जाए तो कहाँ पे जाकर रुकेंगे? इन्फिनिटी पे। बट इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानी मैंने अभी? जीरो। हाँ, तो जब दोनों के बीच में सेपरेशन, यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देना, ऐसे लिख रहा हूँ, दोनों के बीच में सेपरेशन इन्फिनिटी है तो पोटेंशियल एनर्जी, ये लिख रहा हूँ आर टू, ऐसे लिख रहा हूँ आर टू, जब इन्फिनिटी है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? जीरो। जीरो। तो बेटर ये है मैं आर टू ना लिखूं, आर वन लिखूं। आर टू आर वन में ना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ये आर टू आर वन क्या है, कुछ नहीं है, फालतू है। आर वन जो है मान लीजिए इन्फिनिटी है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? जीरो। अब आप कहाँ लेके आ रहे हो उन्हें? पास लेके आ रहे हो, पास लेके आ रहे हो। बताइए वगडन करना पड़ेगा कि वगडन, पॉजिटिव वगडन करना पड़ेगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, जबरदस्ती पास लेके आ रहे हो, है ना, तो पॉजिटिव वगडन करना पड़ेगा। पॉजिटिव वगडन करना पड़ेगा, इसका मतलब वगडन बाय एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ कि वगडन से एनर्जी निकलेगी और सिस्टम में घुस जाएगी, किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी। आया समझ में? अगर आप इन्फिनिटी से पास लेके आ रहे हो तो अपने आप तो नहीं आएगा, आपने कैसा वगडन किया? पॉजिटिव। तो आपने जैसे ही वगडन पॉजिटिव किया, मान लो 100 जूल वगडन किया आपने, तो आपसे 100 जूल एनर्जी निकली और सिस्टम में घुस गई, किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो मतलब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी और एक्सटर्नल एजेंट की एनर्जी कम हुई। आया समझ में कि नहीं? तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम विल इंक्रीज। क्योंकि इनिशियली जीरो मानी थी और बढ़ी, इसका मतलब कैसी आनी चाहिए पोटेंशियल एनर्जी? पॉजिटिव आएगी। आया समझ में? सर, यहां लिख रहा हूं पूरा, सिंस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज जीरो एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम is increasing, so we can say that potential energy of the system is positive. ध्यान से समझना इस चीज को, positive आएगी। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर आया। सर चेंज कैसे निकालोगे? ध्यान दे, चेंज ही है। अब इस केस में चेंज ही लिखोगे और चेंज को ही आप पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो क्योंकि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी। आया तो चेंज ही, ध्यान देना, क्योंकि इनिशियल जीरो था तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा वो पोटेंशियल एनर्जी का इक्वल हो जाएगा और कुछ नहीं है, क्योंकि इनिशियली जीरो माना है आपने। समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो पोटेंशियल एनर्जी देखो पॉजिटिव कैसे आएगी, ध्यान देना कैसे लिखोगे, ध्यान से समझना, यही है ना पोटेंशियल एनर्जी, यही है ना। तो पॉजिटिव आने का तरीका एक ही तरीका है, ध्यान देना, Q1 Q2 कैसा हो? पॉजिटिव आए। R तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, Q1 Q2 क्या है? पॉजिटिव आए। तो आप क्या करोगे, साइन के साथ रखोगे, में आया, साइन के साथ रखना है, साइन के साथ रखना है। अगर Q1 एंड Q2 आर पॉजिटिव देन Q1 इंटू Q2 भी पॉजिटिव ही आएगा, ध्यान देना,
तो साइन के साथ रखोगे अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर Q1 एंड Q2 नेगेटिव है तो भी Q1 इंटू Q2 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालते समय आपको ध्यान देना है आप साइन के साथ रखोगे, चार्जेस आर ऑलवेज केप्ट विद साइन। ध्यान से समझना जो चीज बोल रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं नोट में, व्हाइल कैलकुलेटिंग एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कीप द चार्जेस विद साइन, साइन के साथ रखोगे। अगर आप साइन के साथ नहीं रख रहे हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, यहां प्रॉब्लम नहीं आ रही है, यहां तो प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि आप देखो पॉजिटिव रख रहे हो तो भी, अगर आप देखो ऐसे सोचो अगर दो चार्जेस हैं 2 माइक्रो कूलम 2 माइक्रो कूलम तो आप बिना साइन के भी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तो। लेकिन प्रॉब्लम कहां आएगी, प्रॉब्लम आएगी जब लाइक नेचर नहीं है, देखो अनलाइक है। ये चीज समझ में आई ना? यस सर। ये चीज समझ में आई है कि क्यों पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी क्यों बढ़ रही है? जब आप नेचुरल टेंडेंसी के अगेंस्ट में लेके जा रहे हो, नेचुरल टेंडेंसी दूर है, पास लेके आने की कोशिश कर रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि आपने पॉजिटिव वर्किंग किया। अब इनिशियली जीरो माना है तो बढ़ने का मतलब क्या है, जीरो के बाद बढ़ना का मतलब क्या होता है, 1 जूल 2 जूल 3 जूल 4 जूल, तो पॉजिटिव है तो उसे यहां पे कैसे कंसीडर करेंगे? तो कंसीडर करने का एक ही तरीका है, आप साइन के साथ रखोगे हमेशा, ध्यान देना Q1 और Q2 को साइन के साथ रखना। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो भी Q1 into Q2 पॉजिटिव आएगा, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगी, ठीक है। और अगर दोनों नेगेटिव्स नेगेटिव हैं तो भी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव ही आएगी, ध्यान देना, साइन के साथ रखना। अब यहां देखो, यहां अगर अब देखोगे तो पता चलता है आपको कि अगर दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, अनलाइक मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ पॉजिटिव नेगेटिव, अब बताओ इनकी नेचुरल टेंडेंसी कहाँ है, अट्रैक्ट करने, अंदर अट्रैक्ट करने की, यानी कि ये कोशिश करेंगे पास आने की। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान से समझा, इमेजिन कर लो, इमेजिन करो कि ये शुरू में इंफिनिटी पे है, शुरू में इंफिनिटी पे है, मतलब शुरू मतलब R1 इन्फिनिटी है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो है। जब ये इन्फिनिटी पे है तो पोटेंशियल एनर्जी आपने जीरो मानी है। अब बताओ इनकी नेचुरल टेंडेंसी क्या है पास आने की, और पास ही तो लेके आ रहे हो ना? यस सर। तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी सर। और घटेगी, और घटेगी, क्योंकि नेचुरल टेंडेंसी तो आप लेके आ रहे हो और पास लेके आ रहे हो, आप तो ये तो दूर थे ऑलरेडी, आप इन्फिनिटी पे रखा था, इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी है आपने, अब आपने नेचुरल टेंडेंसी ही तो काम कर रहे हो, पास लेके आ रहे हो, पास आते जा रही आते जा रही आते जा रही, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, घटेगी। अब जीरो मानी थी ना इनिशियली, तो घटने का मतलब क्या है, जीरो मानी थी इनिशियली तो कितनी हुई, -1 -2 -3 -4, तो नेगेटिव आएगी, समझ में आएगी ना? सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम will decrease in this case, ठीक है? तो potential energy घट रही है, इसका मतलब the potential energy of the system is negative. तो कैसे consider करोगे negative? तो अब आपको समझ में आ गया होगा negative कैसे consider करोगे, sign के साथ रखना पड़ेगा। है यही पोटेंशियल एनर्जी, तो नेगेटिव कब आएगी, जब Q1 और Q2 क्या हो, नेगेटिव आए। और Q1 और Q2 नेगेटिव कब आएंगे, इफ Q1 एंड Q2 आर अपोजिट साइन। समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो आप साइन के साथ रखोगे, फिर बता रहा हूं साइन के साथ रखना है, जब भी पोटेंशियल एनर्जी निकालने को बोला जाए तो यू हैव टू कीप इट विथ साइन। हाँ फिर बता देता हूं सेकंड केस, मैं बता देता हूं सेकंड केस क्या है,
जैसे ही आप साइन को अपोजिट रखते हो, माइनस क्यू वन और माइनस प्लस क्यू टू दोनों का साइन अपोजिट है, तो इनकी नेचुरल टेंडेंसी क्या है पास आने की। अब इमेजिन करो दोनों इन्फिनिटी पे, पहले से इन्फिनिटी पे रखे हैं, अब इन्फिनिटी पे तो पोटेंशियल एनर्जी मैंने जीरो मानी है पहले से ही, क्योंकि वही रेफरेंस माना है। अब जैसे ही आप पास लेके आ रहे हो तो आप नेचुरल टेंडेंसी क्या है पास आने की, तो जब नेचुरल टेंडेंसी पास आने की तो जैसे ही पास आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। जब भी नेचुरल टेंडेंसी को आप सपोर्ट करते हो, यहां बताया था नेचुरल टेंडेंसी को जैसे ही आप सपोर्ट करते हो, यहां बताया था देखो नेचुरल टेंडेंसी क्या है, दूर जाने की है ना यहाँ पे, तो उसे सपोर्ट कर रहे हो ना, धीरे धीरे छोड़ रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है घटती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज। तो यहाँ सपोर्ट कर रहे हो धीरे धीरे जो आप छोड़ रहे हो, तो जब ये पास आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी घट चुकी होगी। तो घटेगी किस तरीके से, इनिशियली जीरो थी तो घटने का मतलब क्या है, कितनी भी माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, तो नेगेटिव हो गई पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की, क्या आएगी नेगेटिव आएगी। नेगेटिव को कैसे कंसीडर करोगे यहाँ पे, तो एक ही तरीका है करने का, Q1 और Q2 को क्या मानोगे, साइन के साथ मानोगे, यहाँ पे साइन के साथ पुट कर देना, ठीक है? Yes, sir. यहाँ पे इसलिए नोट, यहाँ पे नोट इसलिए मैंने लिखवाया है, नोट इसलिए लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, वाइल कैलकुलेटिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज कंसीडर, कैलकुलेटिंग पोटेंशियल एनर्जी always keep the charges with sign, sign के साथ रखना है, अपने आप वो आंसर दे देगा। अगर वो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आनी होगी तो अपने आप पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है ना, और नेगेटिव आनी होगी तो नेगेटिव आ जाएगी। जैसे एक केस देखता हूं, केस लेता हूं, केस क्या है, ठीक है, ये डेरिवेशन समझ में आया सबको? यस सर पूरा। अगर आपसे बोला जाए कि कैलकुलेट दी, डेराइव दी एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, प्लीज ये पूरा एक्सप्रेशन आपको करना पड़ेगा, यहां से यहां तक ये इम्पोर्टेंट है और आने के चांसेस हैं इसमें, और इसी तरीके से करना पड़ेगा, इसी तरीके से करोगे तो क्या है, आपको जब खुद समझ में आता है कि यार मैंने चीजें सही की है ना, तो आपको आपके मार्क्स को काट नहीं सकता, क्योंकि इसमें सब सब कुछ चीजें आपने लिखी हैं, सारी चीजें लिखी हैं आपने। कई बच्चे सीधे यहीं से स्टार्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, देखो यहां से स्टार्ट करेंगे, सीधा यहां से स्टार्ट कर देते हैं, ऊपर कुछ नहीं लिखते, लिख दिया करो, कितना टाइम जाता है। ओके, अब देखो ध्यान से समझना। अरे एक और रन नहीं है ना, ये क्या? टीवी ओके, इफ टू चार्जेस प्लस थ्री माइक्रोकूलम कूलम आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, find out the potential energy of the system. Potential energy निकालना सिखा रहा हूं, ध्यान से समझना, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। क्या था फॉर्मूला, ध्यान देना, ये मत लिख देना Q1 Q2 4 pi epsilon naught r square, ये फोर्स का फॉर्मूला है, r square की जगह क्या आएगा r, ध्यान से समझना इस चीज को। कितना आएगा देखो, 1/4 pi epsilon naught 9 × 10⁻⁹, q1 q2 3 × 10⁶, साइन के साथ रखोगे तो मैं लिख रहा हूं, देखो अब यहां पे फोर्स में कभी भी साइन नहीं लिया करते थे, लेकिन यहां लेना पड़ेगा, q1 है पॉजिटिव और q2 भी पॉजिटिव है,
दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? 2 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर मतलब 2 × 10⁻². बताइए क्या आंसर आता है. ओके चलो, तो ये 2 से 2 गया, ठीक है, ये आया 27 × 10⁻⁹ −6 − 6 + 2, so this comes out 2.7 unit joules. unit का ध्यान रखना. आ गया समझ में? Yes sir. तो जब पॉजिटिव चार्ज है सीधा पॉजिटिव चार्ज रख दो, नेगेटिव चार्ज हो तो नेगेटिव चार्ज रख दो. एक और देख लो, एक क्या दो देख लो, और ये आप खुद दे, ये खुद करके दिखाओ जरा. इफ टू चार्जेस +2 μC एंड −2 μC आर सेपरेटेड विद टेन सेंटीमीटर, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. मैं पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूँ लेकिन वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है. फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. एक तो ये बताओ और दूसरा, टू चार्जेस 3 − 3 μC and −3 μC are separated with 30 cm, find out the potential energy of the system. इससे क्या होगा, तीनों ही केस है, तीनों केस आपके क्लियर हो जाएंगे. पहला ये बताओ क्या होगा, 9 × 10⁹ 0.36 joules. हाँ, अब साइन के साथ रखना है, फिर बता रहा हूँ साइन के साथ. 2 × 10⁻⁶ −2 × 10⁻⁶ / 10 × 10⁻². तो ये नेगेटिव आ रही है पोटेंशियल एनर्जी, पहले बता दे रहा हूँ नेगेटिव आ रही है. तो ये कितनी आ रही है, ये आ रही है 36 × 10⁻⁹ −6 − 6, और ये −1 है तो ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा. तो ये आ गई कितनी, ये आ गई −36 × 10⁻², −0.36 joule, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी. नेक्स्ट इसमें कितना होगा, 9 × 10⁹ अब साइन यहाँ पे रखने की आप रख भी सकते हो, ठीक है, नहीं भी रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 3 × 10⁻², −3 × 10⁻³ / 30 × 10⁻². सो इस केस में कितना आ रहा है, इस केस में कितना आएगा, एक 3 कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, ठीक है. सो ये आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आएगा 27 × 10⁹ −6 − 6, और ये एक जीरो, एक साइन को कैंसिल, एक पावर को कैंसिल आउट करेगा, ऊपर प्लस वन आ जाएगा, ऊपर जाएगा प्लस वन. तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी आपकी 0.27 joule. आई होप ये क्लियर हो गया होगा. यस यस सर. ये है पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है. अब क्योंकि मैंने पोटेंशियल एनर्जी बता ही दी है आपको, तो बेटर ये है कि मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी, सर व्हाट हैपन अगर दो से ज्यादा चार्ज रखे हुए हैं.
सिस्टम में दो से ज्यादा चार्ज रखे हुए हैं तो कैसे करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे मैं यही बता देता हूँ, बेटर ये है आगे बताने की जरूरत नहीं, आगे एक और जगह पे आएगी। इसके दो मेथड होते हैं, एक शॉर्ट मेथड है एक लॉन्ग मेथड है, तो ध्यान से समझना इस चीज को, ध्यान से समझना ठीक है। ये देखो अब समझ गए होगे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ठीक है, इसके तीनों कॉर्नर्स पे ध्यान से समझना, तीन कॉर्नर पे चार्ज रखे हुए इस तरीके से, आपसे पूछा है कि बताओ सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी। ये आगे भी आएगा ध्यान देना, लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूं क्योंकि मैं पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, तो बेटर ये मैं अभी बता दूं ठीक है। इफ प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू चार्जेस आर फिक्स्ड एट दी थ्री वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, फाइंड आउट दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आप क्या करोगे इस केस में, क्या करोगे आप, क्या ना इस पूरे सिस्टम को दो दो के पेयर में डिवाइड करोगे। कितने पेयर बनने वाले हैं दो दो के? तीन, तीन, तीन पेयर बनने वाले हैं, तो दो दो के पेयर में तीन पेयर बनेंगे ना, तो उन दो दो पेयर की ना पोटेंशियल एनर्जी निकालते जाओ और तीनों को ऐड कर देना, सीधी सी बात है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वो आपको पता ही है पहले से। तो तीन पेयर में बना रहा हूं ठीक है ना, तीन पेयर बना रहा हूं। ये क्या है, ये वाला पार्ट ना अभी खत्म हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये सब चीजें मुझे पता है पहले से, फिर क्या है मैं आगे चल सकता हूँ। ये देखो ये पहला पेयर बना, बताइए इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। बहुत बढ़िया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू प्लस क्यू बाय ए। सीधा लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस के क्यू स्क्वायर बाय ए, ये भी लिख सकते हो ठीक है। ये है फर्स्ट पेयर की पोटेंशियल एनर्जी, ये ट्रिक है ध्यान देना, ट्रिक से ही बता रहा हूँ, वैसे आगे चल के भी बताऊंगा कि एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है ठीक है ना। कि अगर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हो, देखो दो की पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन मैं अभी बताने वाला हूँ ठीक है, लेकिन अगर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पूछिए, सिस्टम का मतलब दो से ज्यादा चार्ज रखे होंगे, दो चार्ज भी सिस्टम ही होता है, लेकिन अगर सिस्टम में 10 चार्ज रखे हैं तो फिर पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है वो मैं अभी बताने वाला हूँ। ओके अब सेकंड पेयर देखो, ये है सेकंड पेयर, ये सेकंड पेयर है, बताइए कितना होगा? सेम सेम, बहुत बढ़िया, सेम होगा। तो U2 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू प्लस क्यू बाय ए माइनस के क्यू स्क्वायर बाय ए, ये हो गया दूसरे पेयर का। तीसरा पेयर प्लस के क्यू स्क्वायर बाय ए, ये है तीसरा पेयर, देखो ये है तीसरा पेयर। तो तीसरे पेयर की होगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाय ए दैट इज प्लस के क्यू स्क्वायर बाय ए। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या होगी, ऐसे भी लिख सकते हो, या सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो तीनों को ऐड कर दोगे आप, U1 प्लस U2 प्लस U3, आंसर आएगा माइनस के क्यू स्क्वायर बाय ए माइनस के क्यू स्क्वायर बाय ए, ऐड करना है ठीक है ना, सीधा ही ऐड करना है, के क्यू स्क्वायर बाय ए
कैंसिल आउट ये आंसर क्या आ गया माइनस के क्यू स्क्वायर बाय ए। हाँ तो इस तरीके से आपको निकाल देंगे ठीक है। ये सीधा सा जो है सिंपल सा सवाल बन गया इस तरीके से। आप पेयर बनाओगे हमेशा याद रखना जब भी आपको पॉइंट चार्ज दिए हुए जैसे 10 पॉइंट चार्ज दिए हुए ठीक है और बोला गया बताओ सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है तो आप क्या करोगे आप पेयर्स बनाओगे। अब ऑब्वियसली बात है कोई भी आपसे 10 चार्ज की नहीं पूछेगा क्योंकि 10 चार्ज में पेयर्स बहुत ज्यादा बन जाते हैं लेकिन 3 और 4 की तो कोई भी पूछ सकता है। 2 का आपको पता है 2 का तो सीधी सी बात है 1/4 epsilon naught Q1 Q2 r। 3 में 3 चार्ज रखें तो 3 पेयर बनेंगे। 4 चार्जेस में कितने पेयर बनेंगे बताएगा कोई? 4 ना 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 4 चार्जेस में 6 पेयर बनते हैं याद देख ही लो चलो yes, बता रहा हूँ डायगोनल का भी। हाँ 4 चार्जेस में भी देख लो जैसे मैं पूछूं ये प्लस क्यू अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये 4 चार्जेस जो हैं स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पे रखे हैं फाइंड आउट दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम 6 KQ/A² ना 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 ढंग से देखो देखो ये एक पेयर ये पहला पेयर ये दूसरा पेयर ये तीसरा पेयर और ये चौथा पेयर किस अब इन चारों पेयर की पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी अगर आप ढंग से देख सकते हो आ रहा है समझ में yes, sir. इन चारों पेयर्स की 4 पेयर की कितनी होगी पोटेंशियल के क्यू स्क्वायर बाय ए देखो आप खुद करके देखो पता चल रहा है आपको क्योंकि तो चारों पॉजिटिव है इसलिए मैं लिख सकता हूँ ठीक है ना। लेकिन 2 पेयर और बन रहे हैं कौन से डायगोनल वाले मैं बना रहा हूँ डायगोनल वाले ये हैं देखो ये एक तो ये एक पेयर ये और बनेगा और एक पेयर ये और बनेगा तो अगर मैं आपसे बोलूं कि डायगोनल वालों का बताओ 5th और 6th का अच्छा ये केस ना ये वाला इजी केस है इसलिए मैंने ले लिया है लेकिन अगर मान लीजिए एक में पॉजिटिव मान ले 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव होते तो फिर पेयर के फिर निकालने पड़ते ठीक है ना हर एक पेयर के फिर आप निकालोगे यहाँ इजी है यहाँ थोड़ा सा इजी अब देखो क्या होगा देखो के Q square by root 2 हाँ ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगा √2a तो √2a लोगे इसका भी उतना ही आएगा। अब नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई नेट कितनी आई सिस्टम की कितनी आई तो सिस्टम की कितनी आएगी 6 को ऐड करोगे U1 plus U2 plus U3 U4 U5 U6 दैट्स इट सीधा जाएगा 4 KQ² by A ये तो U1 U2 U3 और U4 को ऐड करने के बाद आया और U5 और U6 को ऐड करने के बाद क्या आएगा 2 KQ² by √2A ये चीज समझ में आ गई yes, sir. तो सीधा आंसर आता है 1/4 pi epsilon naught Q² by A अंदर आ जाएगा 4 plus 2 by √2 आंसर। अब ये सिंपल मेथड है ये ट्रिक से बताया मैंने आपको ठीक है ना लेकिन इसका एक और मेथड आएगा जब मैं आपको कल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताऊंगा ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशनशिप होता है तो उस समय आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की एक्चुअल में मतलब क्या है। जब मैं ये बोल रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम 4 चार्जेस रखे हुए हैं और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है क्या तो वो कल पता चलेगा आपको। आज तो मैंने आपको ये सिंपल ट्रिक्स से बता दिए ठीक है ना कि किस तरीके से आपको निकालने हैं।
समझ में आया? दो चार्ज रखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन के साथ फॉर्मूला लगा देना 1/4πε0Q1Q2R, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। और अगर दो से ज्यादा चार्ज रखे हैं, दो से ज्यादा चार्ज रखे हैं कहीं पे भी, तो फिर आप क्या बनाओगे, दो दो के पेयर में डिवाइड कर लो, दो दो के पेयर में पोटेंशियल एनर्जी निकालो। तीन चार्ज रखे हैं तो तीन पेयर बनेंगे, चार चार्जेस रखे हैं तो कितने पेयर बनेंगे, सिक्स। ये कुछ ना ऐसा है, देखो अगर आप समझ रहे हो, तीन में से दो सिलेक्ट करो कितना होता है, पढ़ा है ना कभी? यस सर। चार में से दो सिलेक्ट करो तो कितना आएगा, 4 factorial 2 factorial 2 factorial, तो 6 आता है देखो। यस सर। 4 × 3 × 2 factorial कभी पढ़ा होगा ये सर, तो 6 बनता है, ठीक है 6 बनेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए पांच चार्ज हैं तो फिर कितने बनेंगे, 5 × 4 × 3 × 2 और नीचे क्या आता है, 3 factorial × 2 factorial, तो कैंसिल आउट 10, 10। तो सोचो 10 कॉम्बिनेशन वाला कोई पूछेगा, कोई नहीं पूछने वाला आपसे, 10 कॉम्बिनेशन बनाने ही बहुत मुश्किल है, तो कोई भी पूछता ही नहीं है, चार में ही खुश रहना, ठीक है, चार में ही खुश रहते हैं, कोई पूछता नहीं है, दिक्कत हो जाती है। और कुछ समझ में आ गए? यस सर। यस सर। ठीक है, तो कल जो है हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पहले मैं इलेक्ट्रिक, पहले आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ये बताऊंगा डेरिवेशन, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या अंतर रहता है, क्या सिमिलरिटी है, या दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ये कल देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, समझ में आया कि नहीं है पूरा जो बताया आज? यस सर। एक बार जो है जो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, अगर मान लीजिए सर कल शेयर करते हैं, तो प्लीज इसे एक बार फिर से देख लेना, क्लियरिटी हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी ग्रेविटेशन करोगे ना, तो ग्रेविटेशन में भी ये एज इट इज यूज होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो कल देखते हैं, ठीक है यार, आज डिस्कशन करने थे, बट ठीक है, चलो कल डिस्कशन करेंगे। कल मुझे ना लास्ट के टाइम पे, लास्ट के 15 मिनट जो है अब देना, हम जो है क्वेश्चंस करेंगे इलेक्ट्रिक प्लग्स के, मुझे और क्वेश्चंस कराने, ठीक है। थैंक यू।